शहीद हैं आजम भगत सिंह के ये 20 प्रेरणादायक विचार जिसे हर भारतीयों को जानना चाहिए। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। मेरा धर्म देश की सेवा करना है, देशभक्तों को अक्सर लोग पागल ही कहते हैं। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा कैदी हूँ जो जेल में भी आजाद है। किसी भी इंसान को मारना आसान है परंतु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं जबकि उनके विचार बच जाते हैं। यदि भेड़ों को सुनाना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना होगा। जब हमने बम गिराया था तो हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, हमने अंग्रेजी हुकूमत पर बम गिराया था। मेरा जीवन एक महान लक्ष्य के प्रति समर्पित है, देश की आजादी। दुनिया की कोई भी अन्य आकर्षित वस्तु मुझे लुभा नहीं सकती। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिस कल का, उसका आगाज आएगा। मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा। मेरे सीने पे जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं। हम पागल हैं, पागल ही रहने दो, केवल पागल ही अच्छे हैं। मेरी कलम मेरी जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कि जब मैं इश्क लिखना चाहता हूँ तो इनकलाब लिख जाता है। तर्क किए बिना किसी भी बात को आंख मूंद कर मान लेना भी एक प्रकार की गुलामी है। वो मेरा कत्ल कर सकते हैं पर मेरे विचारों के नहीं। वो मेरा शरीर को कुचल सकते हैं पर मेरे जज्बे को नहीं। क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता लेकिन मेरा जिंदा रहना एक शर्त पर है। मैं कैद होकर या पाबंद होकर जिंदा रहना नहीं चाहता। मैं खुशी से फांसी पर चढ़ूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि कैसे क्रांतिकारी देशभक्ति के लिए खुद का बलिदान दे सकते हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही कि बुरे लोग बढ़ गए, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए।